विश्व कल्याणकारी। विश्व रक्षक, बिगड़ी को बनाने वाले शिव बाबा के महावाक्य है, प्रकृति जीत ही विश्व जीत और जगत जीत है। पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर इस 84वें जन्म में इस शरीर से कितना सहयोग मिलता है आत्मा को पुरुषार्थ करने में। ये प्रकृति, इसके पांचों तत्व सत्युग त्रेता में कितने सुखदायी थे, मनुष्य आत्माओं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना बाबा के इस कार्य में हम बच्चे भी तत्पर हैं। आज विशेष अमृत वेले एक एक तत्व को शकास देंगे। इन एक एक तत्व के अंदर छिपे हुए गुणों से ही मुझ आत्मा के गुणों का बहुत गहरा संबंध है। एक विशेष स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रकृति के मालिक, प्रकृति पति शिव बाबा की अजर अमर संतान, मास्टर प्रकृति पति हूँ।
मैं बेहद के अखूट खजानों को प्रकृति की सेवा में सफल करने वाला बेहद विश्व सेवाधारी पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग में सैर कर रहा हूं। मुझ पर निरंतर परमात्मा शिव बाबा से आती पवित्रता की किरणें पड़ रही है। और मुझसे छूकर समस्त
आकाश मंडल को पहुंच रही है। मैं फील कर रहा हूं शिव बाबा से प्राप्त हो रही पवित्रता की बेहद शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते से होते हुए पूरे आकाश मंडल में फैल रही है। श्वेत प्रकाश की वो असंख्य किरणें फैलाता हुआ मैं फरिश्ता पूरे आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा हूं। चारों तरफ पूरे आकाश का वायुमंडल बहुत पवित्र होता जा रहा है। बेहद का आकाश तत्व जो बेहद की वृत्ति रखने की प्रेरणा देता है कितना गंभीर है यह गगन। इतना शांत कितना स्थिर है। जो
जो भी इसके आंचल में छिप जाए, सबके लिए बराबर कितना इसका विशाल हृदय है। पवित्रता की किरणें पूरे आकाश मंडल में फैलाते हुए मैं फरिश्ता सर्व परिस्थितियों को पल में समा लेने वाला समाने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र फरिश्ता जल तत्व की ओर जा रहा हूं। मुझ फरिश्ते से सर्व अहितकारी बातों को समा लेने वाली शक्तिशाली किरणें निकलकर सागर में समा रही है। सागर के किनारे सागर की एक एक लहरों को निहारता हुआ मैं शक्ति का फरिश्ता शिव बाबा से प्राप्त हो रही शक्तियों की असंख्य किरणों को पूरे सागर में फैला रहा हूं। धीरे धीरे उड़ता हुआ मैं शक्ति का अवतार फरिश्ता पूरे सागर में सागर पर भ्रमण कर रहा हूं। और लगातार शिव बाबा से प्राप्त हो रही शक्तियों की किरणों को पूरे सागर पर फैला रहा हूं।
सभी चमत्कारी किरणें सागर की गहराई में जाकर पूरे जल तत्व को शुद्ध कर रही है। और सागर के जल द्वारा सारे विश्व को इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। कितना सुंदर अलौकिक अनुभव है ये। सर्वशक्तिमान बाबा से आ रही शक्तियों की असंख्य किरणों को प्राप्त कर पूरे सागर पर फैलाता हुआ, पूरे सागर पर भ्रमण करता हुआ मैं फरिश्ता और मुझसे निकल निकल कर सागर के तले में जाकर पूरे जल तत्व को शुद्ध करता हुआ और सागर जल से पूरे विश्व को शक्तिशाली प्रकंपन पहुंच रहा है। कितनी सुंदर प्रक्रिया है ये। एक एक लहरों को निहारता हुआ मैं फरिश्ता कितना आनंदित हो रहा हूं। सदा उमंग उत्साह में रहने की प्रेरणा देता हुआ व्यर्थ को अपने आप में समाने की प्रेरणा देता हुआ ये सागर तत्व सदा स्वयं से ईश्वर से और सबसे
रिश्तों में पारदर्शिता की प्रेरणा देता हुआ ये जल तत्व निरंतर बह रहा है। दूसरों की सेवा में है, लगातार शक्तिशाली किरणें डालता हुआ पूरे सागर पर पूरे विश्व के जल तत्व पर मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर समस्त संसार से विकारों का कीचड़ा भस्म करने वाले
शिव शक्ति हूँ। मैं प्रकृति की सहयोगी आत्मा हूँ। मुझसे निकलती ज्वलंत किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में निरंतर बिखर रही है। मुझसे निकलती हुई लगातार शक्तिशाली ज्वलंत किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में बिखर रही है, फैल रही है। और विश्व में व्याप्त बुराइयों को जलाकर खाक कर रही है। लगातार फैलाते चले इन शक्तिशाली किरणों को सूर्य देव को देते हुए ये सूर्य देव, जिसकी अनंत सेवा लगातार देना ही देना है, बिना किसी भेदभाव के सभी को देना इसका काम है। शक्ति देना, ऊर्जा देना, और व्यर्थ को नष्ट करना, लगातार ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्वाला स्वरूप किरणें मुझसे होते हुए पूरे सूर्य मंडल पर, सूर्य देव पर फैल रही है और सूर्य देव से निकल निकल कर पूरे विश्व में फैल रही है। सारे विश्व में व्याप्त बुराइयों को जला कर खाक कर रही है। Thank you.
मैं विकट परिस्थितियों का सामना कर सहन कर सकने वाली सहनशीलता की देवी हूँ। समस्त विश्व से विकारों की गंदगी दूर कर शुद्ध सात्विक खुशबूदार फूलों की बगिया खिलाने वाले बागवान की सहयोगी आत्मा हूँ। अब मैं पृथ्वी तत्व में शुद्ध विचारों का बीज बो रही हूँ। प्रकाश के शरीर को धारण किए हुए मैं फरिश्ता पृथ्वी तत्व से कुछ इंच की ऊंचाई पर स्थित हूँ। पवित्रता के सूर्य शिव बाबा से आ रही पवित्र लाइट माइट की किरणें मुझ फरिश्ते के मस्तक पर पड़ रही है। और मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मैं धरती पर उतरता हूँ। ये पवित्रता की लाइट और माइट की किरणें मेरे पैरों द्वारा पूरे धरती के अंदर फैल रही है। दूर दूर तक फैल रही है। भूमि शक्तिशाली बन रही है। सारे अशुद्ध वाइब्रेशन और कमजोरी के तत्व खत्म होते जा रहे हैं। ये धरती माँ जिसकी बेहद की गोद बेहद की वृत्ति की प्रेरणा देती है। कितनी सहनशील कितनी क्षमाशील और कितनी उदार है ये। एक का कई गुना देना कितना महान गुण है इसका।
कितना वृहद आंचल है इसका। सदियों से पालना दे रही है, कभी थकती नहीं है। लगातार मैं फरिश्ता शिव बाबा से प्राप्त हो रहे पवित्रता के शक्तिशाली किरणों को पूरे पृथ्वी तत्व में फैला रहा हूं। Thank you.
पवित्रता की, शांति की शीतलता से भरपूर किरणें समस्त वायुमंडल में फैलाने वाला शांति व पवित्रता से भरपूर पवित्र शांत स्वरूप मैं फरिश्ता हूँ। अब मैं वायु मार्ग द्वारा समस्त विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ। लगातार परम धाम से पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की असंख्य किरणें मुझ पर पड़ रही है। मेरा स्पर्श पाकर वायु तत्व भी शुद्ध पवित्र होता जा रहा है। और रूहानियत की खुशबू से भरपूर होकर संपूर्ण विश्व में पवित्र हवा बहनी शुरू हो गई है। मैं फरिश्ता कितना स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं। पवित्रता के सूर्य शिव बाबा से प्राप्त हो रही पवित्रता की किरणों को फैलाता हुआ पूरे वायुमंडल में भ्रमण कर रहा हूँ और वायु तत्व मुझे स्पर्श करते ही पवित्र होता जा रहा है। जो भी आत्माएं वायु तत्व के संपर्क में आ रही है उन सभी को भी रूहानियत की शक्ति अनुभव हो रही है। रूहानी शक्तिशाली वाइब्रेशंस मिल रहे हैं।
अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ आकाश मार्ग में स्थित होकर पांचों तत्वों सहित पूरे विश्व को शकास दे रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को पवित्रता और शांति की शक्ति से भरपूर किरणें फैलाता हुआ मैं फरिश्ता विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो सभी को सुख शांति मिले। सभी का संबंध बाबा से जुड़ जाए। सभी बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाए। सभी अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर ले बाबा से। शांत बनाए सुखी बनाए करे प्रदूषण दूर।